सबसे पहले मैं तमाम हिंदुस्तान वासियों को डॉक्टर परमपूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि यूरोप फाउंडेशन ये आज लॉन्च हुआ है और इस संस्था के मेरे मित्र दीपक चव्हाण, मेरे दूसरे मित्र निहाल अहमद और सभी इनके हमारे सब यूथ, विशेषता यूथ टीम ने एकत्रित होकर के ये फाउंडेशन को मूर्त स्वरूप दिया है। और इस फाउंडेशन के माध्यम से तमाम जोगेश्वरी वासी नहीं तो मुंबई वासी और महाराष्ट्र वासी की सेवा प्रदान हो की जाएगी। अनेक इनके इस युवा रोग फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय और न जाने और कितनी सुविधा देने का मनोदय हमारे मित्र और इस संस्था के अध्यक्ष दीपक चव्हाण जी का है। और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने समाज के प्रति अपना योगदान देते आए। ये पहली बार नहीं है कि कोई संस्था स्थापन करके उन्होंने समाज को अपने प्रति डेडिकेशन दिया है, बल्कि ये टीम हमारी ऐसी है कि जो हमेशा समाज के लिए तत्पर रहती है। निहाल हमेशा समाज के लिए सेवा के लिए, सुविधा के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं। और शुरुआत कहीं ना कहीं से ऐसी होती है, आगे चल के उसको बुलंदी मिलती है। तो मेरी पूरी शुभकामना है कि यूरोप फाउंडेशन की पूरी जो मिशन है उसमें उन्हें कामयाब मिले और आगे चल करके भविष्य में ये फाउंडेशन बहुत बड़ा विराट स्वरूप प्रकट धारण करते हुए महाराष्ट्र की जनता की सेवा करें। बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहते थे कि शिखा और संगठित हुआ। निहाल जी की अगर बात करें, दीपक जी की बात करें, इन्होंने समाज को समझा और अब एक संगठन बनाया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद आपको? देश को आगे बढ़ाने का काम हमेशा युवकों ने किया है। फिर हमारे शहीद भगत सिंह हो, उन्होंने 23 साल की उम्र में देश के प्रति अपना बलिदान देने तक की उनकी सारी तैयारी वो हमने देखा है। समाज को, देश को अगर कोई आगे ले जा सकता है तो इस देश का युवक। और जब युवक एकता होकर के सामाजिक कार्य का संकल्प लेते हैं तो उनकी तरक्की, उनकी प्रगति देश की प्रगति में विहित है। और मेरी तहे दिल से पूरी प्रार्थना है, आशीर्वाद है, बल्कि मेरा एक्टिव योगदान भी रहेगा कि इस संस्था को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सरकारी योजनाएं हैं, महापालिका की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजना है, उनमें भी जो सहकारी इन्हें प्राप्त या उपलब्ध करा के देना है वो सारी करके देने की तैयारी शिवसेना के माध्यम से भी होती रहेगी। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये बच्चे मेरे बहुत आगे जाए, अच्छा काम करें और देश की सेवा करें। राजू साहेबांचं आमच्याकडे पहिल्यापासून प्रेम आहे, सहकार्य आहे, यापुढे असेल अशी अपेक्षा ठेवतो आणि चालू केलं आहे। बाकी काय ना, युवकांच्या नोकरी, शिक्षण हा आमचा महत्त्वाचा फोकस आहे। मी आज फार काही जास्त बोलणार नाही कारण आज सुरुवात आहे, अजून काही केलं नाही, पहिलं करणार आणि मग तुमच्यासमोर येऊन ते रिझल्ट घेऊन तेव्हा बोलणार। मैं कुछ ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, मुझे खाली आगे बढ़ाना है और ये सब करने वाले बच्चे, बोलने वाले बच्चे थे, करके भी देना आता नहीं, हमें काम करना आता है, हम काम करके दिखाएंगे। आशीर्वाद का ये उन्होंने जो एवर होप का फाउंडेशन जो तैयार किया हुआ है, ये आजकल के पीढ़ी के लिए, जैसे राजू भाई ने कह दिया कि आजकल के पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों की सहायता के लिए और सार्वजनिक काम है जो लोगों के हित का होता है उस करने के लिए लोगों को संगठित करना पड़ता है और ये संगठित करने के लिए ही ये संस्था का निर्माण किया गया है। और इनके लिए हमारी शुभकामना है कि वो उसी तरह से काम, अपना कार्य आगे बढ़ाइए, कार्य उनका बढ़ता रहना चाहिए, कार्य उनका आगे बढ़ता रहिए। और हमारी शुभकामना है कि ये संस्था का नाम आगे चल के अच्छे से बढ़े और इनके हाथों से कार्यक्रम अच्छे से चलता रहे, ताकि जनता के हित में इस सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनका काम इसी तरह से चलता रहे। अच्छी शुभकामना दीपक चव्हाण को और निहाल को, सारी टीम को हम देते हैं यही आशीर्वाद। नहीं, योर फाउंडेशन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो दीपक चव्हाण जी है और पेडनेकर साहब, जानता हूँ इनको पहले से, तो काफ़ी अच्छा काम पहले से कर रहे हैं। तो और भी एक संगठन खड़ा करके काफ़ी बच्चों को और काफ़ी एजुकेशनली काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, तो इट्स गुड। और हम लोगों को भी, मतलब आर्टिस्ट लोगों को भी काफ़ी सपोर्ट है, तो हमारे लिए भी काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और बच्चे लोगों के लिए काफ़ी करना चाहिए, जो भी
और युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। तो मेरे हिसाब से इसके लिए उनको सभी लोगों को मेरे से शुभकामना।